स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जी चर्च के क्वायर नूं अज गाइड करते पे। जी कल दी मीटिंग दे लई पूरी क्वायर नूं गाइड करते पे। चर्च के पोजिशंस बारे पापा जी गाइड करते हुए देख सकते हो। तुसी देख सकते हो अपोस्टल जी अज कल की मीटिंग के लिए चर्च के म्यूजिशियंस नूं गाइड करते हुए। अच्छा सब तो पहला की करना थी हर संडे हर थर्सडे जी अटेंडेंस लाऊंगे अपनी, ठीक है, और अटेंडेंस तुसी रिपोर्ट टीम नूं भेजोगे। जिहड़े बंदे थर्सडे आंदे थर्सडे, जिहड़े बंदे संडे आंदे संडे, वो अपनी अटेंडेंस लाएंगे। कौन लाएगा ताड़े जो अटेंडेंस? हाँ अटेंडेंस लगानी थर्सडे भी आने, तो ही अटेंडेंस लगा के थर्सडे और संडे तो ही रिपोर्ट टीम नूं सेंड करनी, नंबर ले लेना रिपोर्ट टीम। और उसके तो बाद तुम्हें पूछा जाऊगा कि क्यों नहीं आए उस दिन, रीज़न की नहीं सी आने का। सैकेंड गल जो आप संडे गा रहे थर्सडे, तू एग्जैक्ट नहीं सी गा रहे, या तो गाना एग्जैक्ट गाना। मेन प्रॉब्लम की है कि जो तुम एक ड्यूटी मिलती है, मान लो कीबोर्ड की मिली है, तुम गाने के बच्चे ना जाओ। यही कि सिंगर तेरे पिछे खड़े हैं, उन्होंने को माइक नहीं है और तू गा रहा वो छड़ के कीबोर्ड, और गा भी तू एग्जैक्ट नहीं रहा, ऐदा नहीं करना। अगर गाना है एग्जैक्ट सोंग गाना है, जोड़ा सोंग तुम गा चुके हो, जोड़ा सिंगर गा चुका, ठीक है, एग्जैक्ट सोंग गाना हो। जो थोड़ा अपना सोंग कंपोज किया जिदा मर्जी गाओ, क्योंकि अपना सोंग है, किसी ने सुनिया नहीं गा। पर आत्मा उदो उतरता जो तुम बनाई हुई चीज़ों को कभी ना तोड़ो। संडे तो थर्सडे कौन कौन सी इतने, थर्सडे कौन कौन सी इतने की टेस्टमनी सुनी सी? हाँ जिन्हों के सोंग तुम अच्छे सुनते हो, जिन्हों के अनॉइंटेड सोंग सुनते हो, सारी उम्र बेबी नहीं होया उसकी, हाँ तो सारी सारी रात बह जाना बाइबल लैके, तो सवेरे खुदा ने सोंग देना तड़के। सब तो पहली गल वर्शिपर बनो, लेकिन सब तो पहली गल क्रिश्चन बनो वधिया। जो तुम टाइम स्पेंड नहीं करते परमेश्वर नाल, पवित्रताई दे विच नहीं हो, तो जो तो पुलपट ते जाना तुम जिन्ने मर्जी खब्बी खान हो फेल हो जाना तुम। और लोगों को पता होंगे मसा है नहीं इस सिंगर दे विच, वो जिन्ना मर्जी आ करे जा करे, समझ गए? टाइम स्पेंड करना पैना परमेश्वर की हजूरी दे विच। अज भी इदा दे सिंगर आ जिन्हां दे जिन्हां को अपने प्राइवेट प्लेन आ, पर अपने पास्टर की मर्जी तो बिना हिलते नहीं गए हुए, इधर तो इधर नहीं होंगे। और जो अनॉइंटेड बंदे वो ज़्यादा दसते भी नहीं गए, वो कहने तुहाडा दिल करदा करो क्योंकि सानू नहीं लोड़ तुहानू लोड़ आ, समझ आ रही? सब तो पहला अच्छे क्रिश्चन बनना, टाइम स्पेंड करना परमेश्वर की हजूरी च। मोस्टली सिंगर्स देखो दो तीन तरह के सोंग गाते हैं और लाइफ खत्म हो जाती है उन्होंने, जो तो भी हिट होंगे वो एको जी सोंग गाई जाते हैं सारी उम्र। अरने समॉल दे देखो अलग अलग सोंग तुम मिलेंगे, क्यों? सारी सारी रात प्रेयर च बैठे रहना, सारी सारी रात बाइबल लैके बैठे रहना, सारी सारी रात जिहड़े अनॉइंटेड सिंगर आ दुनिया के सारी सारी रात बैठे रहना, प्राइस पे करना परमेश्वर ने। पवित्रता प्राइस पे करके बीमारियों च भी दुखों च भी
फिर जाके कि सोंग निकलता अंदरों परमेश्वर वालों, नहीं तो आ ही रह जाते मोस्टली। जाके देखो तो लोगों जिते चर्चिज के या तो क्वायर टीम डफर होएगी या कैमरा टीम डफर होएगी, मोस्टली टीम डफर होगी। हाँ कितने चल रहा है साजी, कितने साजी ढोलकी वाला कभी स्पिरिचुअल नहीं होएगा, कभी साजी नहीं स्पिरिचुअल हो गए, लेकिन तुम ब्लैस हो कि तुम स्पिरिचुअल हो, लेकिन अपने आप को इंप्रूव करोगे। आमीन। जो पुलपट पर जाओ मेक श्योर हर बंदा टाइम स्पेंड करके आया हो परमेश्वर के नाल, हर बंदा छे छे घंटे अठ अठ घंटे बह के आया हो प्रभु के नाल, फिर तुम्हारी आवाज़ के मसा होएगा और तुम चीज़ों को कैप्चर कर पाओगे स्पिरिट के। समझ आ रही? कुछ भी आत्मा की हजूरी तो बिना करोगे खाली लगना हो, कुछ भी प्राइस पे करना पैना तुहानू जे तुसी वर्शिपर बनना चाहते हो, मुल अदा करना पैना तुहानू। ना अज दे वर्शिपर्स दे विच ना ते पेशेंस है, हर बंदा यूट्यूबर बनना चाहता और उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता। वो देता वो अच्छा वो हो गया तो मैं भी कर जा कुछ, नो, सारे की कॉलिंग एक ही नहीं है। पहले देखो परमेश्वर की प्रेजेंस प्रभु की चाहता मेरी लाइफ और आराम नाल वर्शिपर बनते हैं। काली की लोड़ नहीं, आराम नाल स्ट्रोंग स्पिरिट च तां समझ आएंगे मेरिया गल्लां भी लाइफ तां समझ आएंगे तो वर्शिप करना नहीं। जब वर्शिप शुरू करते हैं ना तो जो स्टार्ट करता इन्होंने तेरी वेट नहीं करनी क्योंकि ये बहुत वधिया पहले ही वधिया आया लड़का, तुसीं नाल ही शुरू करना इस तो बस सौंग जिदा ही सौंग शुरू तुहानू पता ही है कि सौंग है, कोई नवा सौंग तो गा नहीं दे, कोई नवा भी गा लिया तो एकदम नाल स्टार्ट करना है। तुम्हें भी देखना नहीं गा उल्लू आवाग इधर उधर कि वह की कर रहा पहला मैं देखा, साढ़े ते आत्मा हैगा तो तुम शुरू करो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? हूँ एक सौंग गाने आप, एक सौंग गाई लकड़ी पे लटका ना से एकदम शुरू करना आत्मा जी शुरू करना गैर भाषा कर रहे थे पहले ही आत्मा जो लोग एक कह रहे हैं पहले ही हाथों को हिलाते हुए ना जो आत्मा जो चले गए ना तो ये तेरे नाल कोई नहीं बोलेगा, खासकर जो बंदा लीड कर रहा दूसरा बंदा तो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा बिच, लीड कर रहा बंदा कह सकता है जे वो दिल करता, नहीं तो पहले ही लोग आत्मा के होंगे इतने 90% तुम लगे कि दिन खाली है या लोग आत्मा च नहीं है या फिर तुम कह सकते आत्मा द्वारा एवं ना बिच करनी कभी प्रभु को रहने के हमेशा। हाँ खासकर वही सिंगर बोले जो बंदा लीड कर रहा है और तुहाडे दोनों को माइक जरूर होने चाहिए, ठीक है? माइक टीम क्वायर के कोल माइक नहीं सी प्रॉपर, लेकिन हुण माइक होने चाहिए प्रॉपर। सिंगर जो खासकर मेन सिंगर आ पिछे खड़े आ उन्होंने कोल माइक जरूर होने चाहिए, क्वायर को दो घट जाने कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उन्होंने पिछों बैकअप देना। समझ गए? चलो शुरू करो। सिर्फ की बोर्ड वो ही
ਸਟਰੋਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बिशारम दासे चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप बिशारम दासे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिशारम दासे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचाया जाए गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको ब्लेस करें